डेली करंट न्यूज में अभी की खबर है, क्या है पोंटस टेक्टोनिक प्लेट। हाल ही में बोर्नियो में प्राचीन चट्टानों का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों द्वारा एक लंबे समय से खोई हुई पोंटस नामक टेक्टोनिक प्लेट की खोज की गई है। इसे पश्चिमी प्रशांत महासागर में खोजा गया है। इसके विशाल स्लैब के अवशेष पृथ्वी की गहराई में पाए गए हैं। इस प्लेट को केवल बोर्नियो के पहाड़ों के कुछ चट्टानी टुकड़ों से ही जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस विशाल टेक्टोनिक प्लेट का आकार एक समय में लगभग 15 मिलियन वर्ग मील था, जो प्रशांत महासागर के लगभग एक चौथाई के बराबर है। बता दें कि इस प्लेट के विलुप्त होने के 20 मिलियन वर्ष बाद इसे फिर से खोजा गया है। चले जानते हैं टेक्टोनिक प्लेट के बारे में। यह ठोस चट्टान का एक विशाल अनियमित आकार का स्लैब होता है, जिसे लिथोस्फेरिक प्लेट भी कहा जाता है। इसकी अवधारणा पहली बार 1967 में पेश की गई थी। यह आमतौर पर महाद्वीपीय और महासागरीय लिथोस्फेयर से बना होता है। बता दें कि प्रशांत प्लेट मुख्यतः एक महासागरीय प्लेट है, जबकि यूरेशियाई प्लेट एक महाद्वीपीय प्लेट है।